जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टर्न और आज हम इसे कंप्लीट भी कर देंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि कहीं ना कहीं जो पिनाकल का मैं पढ़ा रहा हूँ 6200 मैथ की पूरी प्लेलिस्ट अभी तक यूट्यूब पे ही बनी हुई है। आप उसे बेहतरीन ढंग से पढ़िए और धीरे धीरे करके हर एक चीज को सीखिए। साथ में बता दें, यूथ का जो सेकेंड एडिशन है वो पूरा का पूरा प्रकाश अवस्थी ऐप में 100 रुपये में पूरा कंप्लीट है टाइप वाइज। याद रहे, यूथ की किताब टाइप वाइज है, उससे आप सीखोगे और पिनेकल की किताब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पाइप पी और क्यू एक संचालित होने पर 12 मिनट में एक गड्ढा भरते हैं। क्यू और आर एक साथ संचालित होने पर 20 मिनट में गड्ढा भरेंगे और पी और आर 15 मिनट। पहला उद्देश्य इनका एलसीएम जो कि 60 ही आएगा, क्षमता यानी एफिशिएंसी 5, 3 और 4 आएगी। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब यहां पर कुछ बातों को कहा गया है। एक साथ संचालित होने पर तीनों पाइप कितने मिनट में गड्ढे को भर देंगे? देखा जाए 5, 3, 8, 4, 12, 12 यूनिट काम होता है। 2 बार पी आएगा, 2 बार क्यू आएगा, 2 बार आर आएगा। अगर हम एक बार पी, एक बार क्यू, एक बार आर लाए तो 12 का आधा 6 हो। काम कराना है 60 मिनट का, 60/6 यानी 10 मिनट आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 10 मिनट हो जाएगा। पाइप ए और बी क्रमशः 30 मीटर क्यूब आवर्स, 40 मीटर क्यूब आवर्स एक टैंक भरते हैं, यानी ये आयतन की बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहा है। मतलब ये जो एक घंटे में 30 मीटर क्यूब और बी जो भर रहा है वो एक घंटे में 40 मीटर क्यूब, अगर हम एक साथ कर दें 70 मीटर क्यूब हो गया एक घंटे में ए और बी द्वारा, क्योंकि ये आयतन दिए गए हैं, समय नहीं। साथ में वो 4 घंटे काम करते हैं तो एक घंटे में 70, तो 4 घंटे में 280। तो जो टैंक का आयतन होगा वह 280 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। पाइप ए 50 मीटर क्यूब की दर से एक टंकी को भरता है, ये आयतन है, यानी एक घंटे में जो ए है वो 50 मीटर क्यूब काम करता है। पाइप भी उसी टंकी को 4 घंटे में भरता है, यानी बी किसी टैंक को 4 घंटे में भरता है। एक साथ खोले जाने पर 2 घंटे में टंकी भर जाती है, यानी ए के साथ बी भी खुला है 2 घंटे में। एलसीएम 4, क्षमता 1 और 2, यानी ए की एक क्षमता, बी की भी एक क्षमता। टंकी का आयतन क्या होगा, यही पूछा गया, टंकी का आयतन क्या होगा बताएंगे मेरे भाई। देखो, बी ए भी जो है 4 घंटे में टैंक को भर देता है और एक घंटे में ए 50 मीटर क्यूब, 4 घंटे में ए 50 × 2 200 मीटर क्यूब, यानी 200 मीटर क्यूब इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर। पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप भी उसी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता। एलसीएम 30 आया, 6 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे खाली, 30। ए की क्षमता 5 हो गई और बी की क्षमता माइनस का 2 हो गई। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा?
ये 5 लड्डू बनाता है, भी 2 लड्डू तोड़ता है, यानी बनता तो 3 ही लड्डू है ना, बनाने 30 है, 30/3 यानी 10 घंटे में। 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 71 का जो सही आंसर आएगा वो 10 आएगा। 5A और B क्रमशः 5, 15 और 10 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। ए किसी टैंक को 15 घंटे में, बी उसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, 5C इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है, यानी सी 40 घंटे में खाली कर सकता है। 15, 10, 40 का एलसीएम ये तो लेना ही पड़ेगा, 120, 15 8 120, 10 से भाग दोगे तो 12 बार में, 40 से 3 बार, यानी ए 8 लड्डू बनाता है, बी 12 लड्डू बनाता है और सी 3 लड्डू तोड़ता है। ये तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए, टैंक भरा जाएगा। मेरे दोस्त 20 लड्डू बने, 3 टूटे तो 17, 120/17 यही इसका आंसर आएगा। अब आते हैं एएलपी के क्वेश्चन में। दो पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टैंक को 3 और 4 घंटे में, 3 और 4 घंटे में भर सकते, यानी ए किसी टैंक को 3 घंटे में और बी उसी टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप 8 घंटे में खाली कर देता है। एलसीएम लो, 24 ही आएगा। ए की क्षमता 8, बी की क्षमता 6, सी की क्षमता माइनस का 3। यहाँ पेशेंस रखना, तेरा जब टंकी 1/12 भरी हुई है तो सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी पूरी कब भरेगी, क्योंकि तो पूरी होती है 1, इसका 1/12 भाग पहले से भरा है तो टंकी में भरनी है 11/12। 1/12 भरा हुआ है तो टंकी भरनी है 11/12। 14 लड्डू बने, 3 टूटे, यानी 11 ही लड्डू बन रहे हैं, बस 11 से भाग दे दो, 12 से ये 2 बार, यानी 2 घंटे का समय लगेगा। एक चीज बात को समझो, टंकी 1/12 भरी हुई है तो भरनी कितनी है 11/12, तो 24 का 11/12 काम कराएंगे और उसके बाद आप समझ गए होंगे। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे एक साथ काम किया, फिर बी बंद हो गया। अच्छा क्वेश्चन, तो एक मतलब 100% काम होता है। ए और बी मिलकर 10 घंटे में कोई काम करते हैं तो 1 घंटे में 1/10 करेंगे। भाई 10 घंटे में पूरा काम, तो एक काम कितना, 1 घंटे में 1/10, 4 घंटे में 4/10, 4/10 को हम 2/5 बोलेंगे, तो काम बचेगा 3/5, 3/5 काम बचा, बोलो हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ए ने कार अंत तक जारी रखा, बी ने काम करना बंद कर दिया और ए ने कार अंत तक जारी रखा, टैंक को भरने में कुल 13 घंटे, 4 घंटे तो पहले यूज हो गए थे तो बचे कितने घंटे, 9 घंटे। 3/5 काम करने में 9 घंटे का समय लेगा कौन, ए। काम पूरा करा दो, ए पूरा काम करने में 15 घंटे का समय लेगा, मानते हैं 15, 3/5 काम में 9 घंटे और पूरा काम 15 घंटे। और हमसे यही पूछा गया है ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, 15 घंटे लगेगा। 74 का आंसर 15 घंटे आएगा। बढ़िया से पढ़िए, हर चीज को सीखिए। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ देखो इंग्लिश में 3/15 और यहाँ 3/35 लिखा है, तो 3/5 लिखा होगा ये, ठीक है। ए बी सी एक खाली टैंक को से जुड़े हुए हैं, पहले दो पाइप 4 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, यानी ए किसी टैंक को 4 घंटे में भरता है, बी किसी टैंक को 10 घंटे में भरता है,
लेकिन जो सी है वो भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली करता है। एलसीएम अपना 30 का डबल 60 लेंगे, 15 चौक 60 होगा, 10 से 6 बार में, 6 से 10 बार में। माइनस सिंबल समझ गए होंगे, खाली करने के लिए लगाते हैं। यदि सभी तीनों पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं, यानी पहले से ही टंकी 3/5 भरी है, टंकी पूरी भरती है एक, इसका 3/5 भरा है तो भरना कितना है 2/5 भाग, यानी 60 का हमें 2/5 काम कराना है, 2/5 काम कराना है इस 60 का। अब किसके द्वारा? तीनों के द्वारा। 11 यूनिट, 21 यूनिट लड्डू बने, 10 टूटे, यानी 11 यूनिट काम करा, 11 से भाग दो, 5 से ये 12 बार, 12 दूनी 24, 24/11 द राइट आंसर ऑफ दिस वन 24/11 आएगा, 24/11, 24/11, 24/11, यही इसका आंसर हो जाएगा। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है, 3 गुना अधिक नहीं, 3 गुना है। सीता और रामू, सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती, देखो 60 बार पलटती है सीता, एक बार में 3 लीटर, 60 बार में 60 × 3, ये टोटल वर्क हो गया। अब सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरते हैं, इनकी क्षमता 4 है, 60 × 3/4, 180/4, यानी 45, तो यहाँ टोटल समय 45 लगेगा, 45, 76 का आंसर 45 आएगा। दो पाइप पी और बी, देखो ए और बी नहीं, पी और बी, एक टंकी को 37.5 मिनट और 45 मिनट भर सकते हैं, यानी पी किसी टंकी को 37.5 को बोलते हैं 75/2, और बी 45 मिनट में भर सकते हैं, 75 और 45 का एलसीएम 225, 3 × 6 इसकी क्षमता आ जाएगी, और यहाँ 45 से भाग दोगे तो बी की क्षमता 5 आ जाएगी, फिर टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। यदि बी को अब टोटल टाइम क्या करा है, 30 मिनट में भर जाएगी टंकी, यदि पाइप बी को T मिनट के बाद बंद कर दिया जाए तो T मिनट के बाद बंद कर दिया गया, T मिनट तक A और B काम कर रहे होंगे, B को T मिनट तक, उसके बाद B बंद हो गया तो बचा टाइम कितना है 30 - T, ये काम कौन कर रहा होगा, E, 6-5 यहाँ P है, पी काम कर रहा, 6-5 = 11, ये ऐसे कर लो, और फिर किसको बंद कर दिया, बी को, 6 ऐसे रहेगा, 30 - T काम है 225, 11 T में 6 T गया तो 5 T आया, 225 में 180 गया तो 45 आया, यानी T बराबर 9 मिनट, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9 मिनट आएगा, 77 का सही आंसर 9 मिनट आएगा, 77 के बाद 78, किसी खाली टंकी को एक पाइप से 4 घंटे में भर सकता है, एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है। जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी आधी खाली थी तो पहले तो 4 और 10 का एलसीएम ले लो, जो कि कहीं ना कहीं 20 आ गया, ए की क्षमता 5 आ गई, बी की क्षमता -2। अभी पढ़ना है क्वेश्चन को, जब टंकी आधी खाली थी, दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया टंकी, तो
टोटल काम 20 नहीं करना, इसका आधा, क्योंकि आधी खाली थी तो आधा ही भरना होगा। 5 लड्डू बनाता है, 2 टूटता है, यानी बनता तो 3 ही लड्डू है, 3 से भाग दो, 2 से ये 10 बार में गया, 10/3 घंटा, इसे 3 सही 1/3 घंटा बोलेंगे, 3 से 1 ही ऑप्शन है, तो 20 द राइट आंसर, 3 घंटा 20 मिनट, यानी 78 का जो सही आंसर आएगा वो 3 घंटा 20 मिनट आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 78 क्लियर हो गया होगा। दोस्तों प्रकाश अवस्थी ऐप में यूथ का सेकेंड एडिशन टाइप वाइज बाइलिंगुअल डिजिटल बोर्ड से सॉल्व है। अगर आपका कमजोर है बेसिक मैथ, रेलवे की मैथ, तो आप उस कोर्स को लेकर पढ़ सकते हो मात्र 100 रुपये में, बेहतरीन ढंग से पूरी की पूरी किताब का सोल्यूशन, एक एक चैप्टर में 300 400 500 क्वेश्चन कराए गए हैं, बाकी आप समझ सकते हो। ए और सी किसी खाली टैंक को 3248 घंटे में भर सकता है, ए किसी टैंक को 32 घंटे में, सी उसे 48 घंटे में भर सकता है, जबकि बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है, एलसीएम 96 होगा। ए की क्षमता 3 लड्डू बनाने की, बी की 2 लड्डू और सी की 4 लड्डू तोड़ने की। जरा यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए 2/3 भरने में कितना समय लगेगा, तो यहां पर काम आपको पूरा नहीं करना है, काम आपको पूरा नहीं करना है, काम आपको करना है 2/3, 2/3, 5 लड्डू बने, 4 टूटे तो बन तो एक ही रहा, तो 1 से भाग देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 से गया 24 बार, नहीं 32 बार, 32 × 64, 64 इज द राइट आंसर। एक पाइप टंकी को 2 घंटे में भर सकता और एक जगह से रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2 सही 2/3 समय लगेगा। ए किसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, टंकी में रिसाव के कारण, ए भी था ए के साथ बी भी है तब भी टैंक भर रहा है ना, 2 सही 2/3 यानी 6 × 2 = 8, 8/3 समय लग जाता है, इसका एलसीएम लोगे 8 ही एलसीएम ले लो, 2 से ये गया 4 बार और ये 3, यानी ए 4 लड्डू बनाता है, बी 1 लड्डू तोड़ देता है। टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली होगा, तो बी 1 घंटे में 1 लड्डू तोड़ता है, तोड़ने 8 है, 8/1 यानी 8 इज द राइट आंसर। 80 का जो सही आंसर आएगा वो 8 आएगा। दो पाइप ए और बी एक किसी टैंक को 18 और 27 घंटे में भर सकते हैं। सी भरी हुई टंकी को 45 घंटे में खाली कर सकती है, जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा है, तो शुरुआत में जब टंकी खाली थी ए और सी को चालू किया गया, तो पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा 18, 27, 25 का, 180 ले ले, नहीं होगा 270 ले, इससे 15 बार में, ये 10 बार में, 45 से 6 बार में। देखो क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अच्छा है। देखो यहाँ कह रहा कुछ घंटों बाद ए बंद कर दिया गया, फिर पाइप बी चालू किया गया, इस टंकी को 55 घंटे लगे, तो 55 घंटे लगे, बी को कितने घंटे चलाया गया, बी को माना टी घंटे चलाया गया, तो बी को टी घंटे चलाया गया, तो बी टी घंटे, यानी ए और बी साथ काम कर रहे हैं, यानी 55 - T घंटे ए और सी को चलाया गया, नहीं समझे, हम टी उसी को मानते हैं जनरली जो आंसर निकालना है, हमसे कह रहा है बी को कितने घंटे तक चलाया गया, तो माना टी, तो बी तो ए के साथ चला, तो ए बी टी घंटे तक, और 55 - T तो ए और सी चले, 15 में से 6 गया 9 और 55 - T टाइम तक,
सी बंद हो गया, कौन चला ए के साथ, बी चला, ए के साथ कौन चला, सॉरी ए को बंद किया गया ना, तो सी चला, सी के साथ भी, सी के साथ चार ही काम हो रहा है, 10 बने 6 टूटे 4, टी टाइम तक, बस इसी को कैलकुलेट कर लो, टी निकल आए 9, 9 पना 45, 45 9 पना 45, 400 माइनस 270 बराबर 5, कैलकुलेट करना है, तो 25 बराबर 45 इज द राइट आंसर। पूरी कैलकुलेशन कर दी है, ठीक है, इससे पहले भी इस पैटर्न का क्वेश्चन बता चुके, समझ गए होंगे। ए के साथ सी चला, ए को बंद किया तो बी के साथ सी चलेगा, तो उसको टी मानना है, समझ गए, बंद ए हो रहा है। 82 नंबर क्वेश्चन, दो पाइप किसी खाली टैंक को क्रमशः 25 और 40 घंटे में भर सकते, यानी ए किसी टैंक को 25 घंटे में, बी उसी टैंक को 40 घंटे में भर सकते, क्योंकि तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर देता है, एलसीएम 400 ही आएगा, 25 गुणे 16 400 होता है, 40 दसा 400 होता है, और ये माइनस का 25, मतलब जब टैंक पूरी तरह से खाली है तो तीनों पाइपों को चालू कर दो, 26 लड्डू बने 25 टूटे, तो एक ही तो बन रहा है, 400 घंटा आंसर आएगा, 400 घंटे को आपको कन्वर्ट करना है किस में, दिन में, तो 400 बटा 24, 24 से कम 24, 160, 160, 24 शक्कर 144, 16 बटा, यानी 16 डेज आ जाएगा, 16 बटा 24 को 16 घंटा बोलेंगे, 16 दिन 16 घंटे, 16 दिन 16 घंटे, 16 सही, 16 बटा 24, 2/3 दिन आएगा, 16/24 को 2/3 घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 24 का गुणा कर देंगे, तो 16 दिन 16 घंटे, समझ गए हो गए, 16 से एक ही ऑप्शन है। रघु का एक टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता, जलाशय आधा भरने के बाद, देखो रघु एक जलाशय को 4 घंटे में भर देता है, जलाशय आधा भरने पर, तो रघु ने 2 घंटे तक काम किया, सीधी बात आधा हो गया। इसी तरह 3 और टैंकर खोले गए, एक खुला ही था रघु और 3 और आ गए, तो 4 हो गए। अब कितना एक्स टाइम, दोनों बराबर कर लो, आर आर तो पहले से काट दो, 4 में 2 आया, 4x यानी x बराबर 1/2 घंटा। अब देखा जाए आंसर आधा घंटा तो होगा नहीं, वे टोटल टाइम पूछ दिया हमसे, तो 2 घंटे रघु ने शुरुआत में काम किया था, आधा घंटा ये 2.5 घंटा। फिर से समझो, रघु एक टैंकर एक जलाशय में 4 घंटे भर सकता, तो रघु r इंटू 4 मान लिया, जलाशय आधा भरा है, तो रघु ने 2 घंटे काम किया तो r इंटू 2, वैसे 3 बंदे और आ गए तो रघु तो था ही, 3 और मान लो टैंकर हो गए तो 4r हो गए बराबर x, वहां पर आधा आया 2 घंटे पहले 2.5 घंटे आंसर। बेहतरीन तरीका है 83 का, जो बताया है कई बार सिखा चुका हूं। पी क्यू आर ऐसे पाइप है जिनके माध्यम से एबीसी जो एक सॉल्यूशन है निर्वहन करता है, पी क्यू आर अकेले अकेले संचालित होने पर 20 25 और 10 मिनट में भर सकता है, पी किसी टैंक को 30 मिनट में, उसी टैंक को 20 मिनट में, आर उसी टैंक को 10 मिनट में, एलसीएम 60 आया, 2, 3 और 6, जब टैंक खाली है सभी तीनों को खोल दिया गया और 3 मिनट बाद सी का विलय,
यहाँ पर जो विलियन है, विलियन पहले में ए है फिर बी और ये सी, सी का विलियन 1 मिनट में 6 लड्डू बनाता है, तो 3 मिनट में 6 गुणे 3, 3 ऐसे 6 3 9 2 11, 6/11। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन कई बार कर चुके हो, 6/11 इज द राइट आंसर। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, 85 नंबर, इसको 3 स्टार दे दे रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ फिर से बता दे रहे हैं। देखो, ए बी किसी काम को करने में अगर टी टाइम लेता है और ए अकेले करेगा तो टी तो समय लेगा लेगा, ए एक्स्ट्रा लेगा कुछ समय एक्स्ट्रा, और बी करेगा अकेले तो टी टाइम तो लेगा लेगा, बी एक्स्ट्रा लेगा। जो टी की वैल्यू होती है वो डायरेक्ट अंडर रूट ए बी होती है। बस इसी बात को समझ लिया तो आंसर आ गया, अन्यथा खेला है। समझना, समझ गए ना, कई बार समझाया हुआ है, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन में बताया हुआ है। एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से भरा गया, पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं और टैंकर को भरने में उतना ही समय लेता है जितना अकेले सी लेता है। यहां तक भाषा क्लियर? यानी ए बी जो टैंकर है उसने मान लो एक्स टाइम लिया, उतना ही टाइम सी लेगा, यानी सी एक्स टाइम लेता है थर्ड वाला। आपको यार दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से और तीसरे की अपेक्षा 4 घंटे धीमे से, यानी बी वाले की बात करें, तीसरे की अपेक्षा 4 घंटे धीमे से, यानी ये एक्स लेता तो ये एक्स प्लस 4 लेगा, और ये पहले वाले से बी वाला 5 घंटा तेजी से है तो ये एक्स प्लस 9 लेगा, और यहाँ ये कंडीशन ऑलरेडी लगी हुई है। तो बस ये इसका जो एलसीएम है ये वाला जो सॉल्व करना है, देखो ये एक्स प्लस 4 है, एक्स प्लस 9 है, और जो ये एक्स है वो एक तरीके से ए प्लस बी हो गया ना, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक है। तो जो एक्स की वैल्यू है वो डायरेक्ट हो जाएगी अंडर रूट 4 गुणे 9, एक्स बराबर आ गया 6। करा पहला टैंकर के लिए आवश्यक समय तो 6 प्लस 9 15 घंटे का समय, ये समझ में आ गया होगा क्योंकि कई बार बताया है, इसको हम ऐसे ही सिखाते हैं। ए बी जितना समय लेता है उतना सी लेता है, तो दोनों का समय एक्स मान लिया। अब कहता है सी एक्स टाइम में बढ़ता है, कहता है बी नीचे से पढ़ोगे बी 4 घंटे धीमे है सी से, 4 घंटे से धीमे यानी 4 घंटे अधिक लेता है सी से, एक्स प्लस 4 लेगा, और ए से 5 घंटे फास्ट है, तो जो ए है वो 5 घंटे सी से और बी से अधिक लेगा तो एक्स प्लस 9 है। इस लाइन को ही बार बार पढ़ोगे सब कुछ निकल आएगा, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट लगाया जाता है। एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर सकता है परंतु ये रिसाव कांड 5 घंटे में भरता है, यानी ए किसी टैंक को 4 घंटे में भरता है, एक रिसाव के कारण 5 घंटे में, एलसीएम लोगे 4 और 5 का एलसीएम आएगा 20, यानी ए 5 लड्डू बनाता है और बी ए बी के साथ 4, यानी ए 5 बना रहा है बी 1 लड्डू तोड़ रहा है। भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा, तो ये तो 1 लड्डू तोड़ता है, तोड़ने 20 है, 20/1, 20 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। 87, पाइप ए खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसे 3 स्टार दे रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान देना ठीक है। ए किसी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, बी उसी टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है, एलसीएम लोगे तो 90 ही आएगा, 18 से 5 बार में 30 से 3 बार। जब टंकी खाली है तो ए 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है फिर बंद किया जाता है, फिर बी को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है फिर बंद किया जाता है, फिर ए को चालू करेंगे, इसी प्रकार से अल्टरनेट का ये क्वेश्चन हो गया। इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस का सहारा लेना तो जल्दी हो जाएगा वरना फंस जाओ। देखो, ए 5 लड्डू बनाता है, बी 3 तोड़ता है, 5 बनाता है, 3 तोड़ता है, यानी 2 घंटे में
दो यूनिट काम। अब देखो 45 बड़ा होता है कि 86, 90, 86। अब एक चीज देखो, 2 घंटे में 2 यूनिट काम हुआ तो 45 घंटे में तो 45 ही यूनिट काम होगा, ये 45 वाला तो आंसर आना ही नहीं। तो ऐसे 90 वाला भी नहीं आना है, क्योंकि इस प्रोसेस में 90 घंटे में 90 भी नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है, जब बी को बंद कर दिया तो ए तो ज्यादा काम करेगा ना, तो 90 भी नहीं आना है। मेरी बात को समझो, या ये समझो कि 45 तो होना ही नहीं, 2 घंटे में 2 यूनिट काम, 45 घंटे, 45। अब तीनों ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा है? 86 घंटे। भाई 86, 90 और 86, 86 घंटे छोड़ा, 86 का आधा देखो 43, दोनों साइड 43 का गुणा करोगे तभी तो 86 घंटे बनेगा। यानी देखा जाए 86 घंटे में 86 यूनिट काम हो गया। अब बारी आई ए की, ए कहता मैं तो 1 घंटे में 5 लड्डू बनाता हूँ, बनाने 4 है क्योंकि टोटल 90 है। ए 4/5 समय लेगा, 4/5 समय को 48 मिनट कहते हैं, 1/5 को 12 मिनट कहते हैं, 1/5 × 60 तो 12 मिनट, 4/5 × 60 तो 48 मिनट। यानी 86 घंटे 48 मिनट में ये 90 लड्डू बन जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल्के मत लेना, कई बार आपको सिखाया है, युद्ध की किताब में भी सिखाया हुआ है। 86 घंटे 48 मिनट, इसको दोबारा समझना, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। भाई 2 घंटे में 2 यूनिट, अगर हम 45 ऑप्शन से लें, 45 घंटे में 45 तो होना नहीं है, कि 86 90, 86 में इजी कौन है, 86 86 का आधा 43, 2 घंटे में दो तो 86 घंटे में 86 हुआ ना, मोटा मोटा समझो। तो अब बारी आएगी ए की, तो ए कहता मैं तो 1 घंटे में 5 लड्डू बनाता हूँ, बनाने 4 ही हैं क्योंकि 86 4 90, तो 4 48 मिनट, 86 घंटे 48 मिनट। बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हल्के मत लेना। दो क्वेश्चन बचे, समझना, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पाइप एक किसी खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर वह 3 घंटे में, एलसीएम कितना हो गया? मोटा मोटा एलसीएम 12 ही होगा, यानी ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 1 हो जाएगी। ए 3 लड्डू बनाता है, बी 1। पाइप ए को 1 घंटे चलाने के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, यहां समझना, टोटल 12 लड्डू हैं, 1 घंटे के लिए ए को खोला गया, अब बी को खोल दिया गया, यानी 9, ए बी दोनों मिलकर 9/4, ये 2 सही, 1/4, यानी 2 घंटे 15 मिनट, 1/4 को 15 मिनट कहते हैं क्योंकि 1/4 × 60, समझ गए ना। तो टंकी को भरने में कुल समय 1 घंटा तो पहले लग गया था, और 2 घंटे 15 मिनट, ये यानी 3 घंटे 15 मिनट का समय लगे। राइट आंसर 3 घंटे 15 मिनट होगा। पाइप ए बी सी किसी खाली टंकी से जुड़े हुए, पहले दो पाइप ए बी 4 और 10 घंटे में भरते हैं, ए किसी टैंक को 4 घंटे में भरता है, बी उसी टैंक को 10 घंटे में, तीसरा 6 घंटे में खाली करता है, एलसीएम लोगे कहीं ना कहीं 60 आएगा, 15 चौकू 60, 10 से भाग दोगे 6 और ये माइनस का 10। ये तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी आधी भरी है तो आधी भरी है तो आधी भरनी होगी, तो 21 लड्डू बने, 10 टूटे, यानी 11 लड्डू बनाने, 30/11 का आंसर 30/11 आएगा। उम्मीद है सेशन हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बेहतरीन ढंग से पढ़ाने की कोशिश है, 89 तक कंप्लीट, यानी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है कमेंट करके बताइएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर चीज़ धीरे धीरे करके सीखिए। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।